दिल्ली के सबसे कंजेस्टेड एरिया में। ओ भाई साहब फुल, ये भाई ने कटिंग दिखाना स्टार्ट कर दी है। ओ हो 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 हो, ओ बाबे आगे निकलते हुए। ओ बादल चिपका भाई, बादल चिपक जाता है, पोस्टर बन जाता। अपनी अपनी लेग जहां मर्जी कुदा दो, तेरी तो फुल। Again, 120 touch. What's up, everyone? This side is Akash Groom. Welcome to another new vlog. So once again, welcome back to my YouTube channel, Groom Brother. So alright guys, so कैसे हो आप लोग? I hope so आप लोग अच्छे ना अच्छे ही रहना। So guys, आज निकल रहा हूँ हम night ride में। तो आज मैं जा रहा हूँ night ride में, but plan थोड़ा सा switch हो गया है। Actually अभी बादल का phone आया था एंड वो कह रहा है इवेंट पे चलते हैं, तो अभी बीच में थोड़ा इवेंट पे जाएंगे एंड फिर उसके बाद थोड़ा गेड़ी मारेंगे अपना। तो अभी जा रहे हैं, तो आज मैं हूँ और अमित है एंड अपना बादल बॉय। तो अभी अमित के पास जा रहा हूँ, तो अभी उसको पिक करेंगे दैन फिर बादल के पास जाएंगे, तो मिलके इवेंट पे जाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस आज के व्लॉग में। एंड काफ़ी टाइम बाद इवेंट पे जा रहा हूँ अपने फेस्ट पे। एंड मैं गया था लास्ट टाइम कोविड से पहले, कहने का मतलब है 2-3 साल के पहले गया था फेस्ट में। अब फाइनली अब जा रहा हूँ फेस्ट में। एंड गाइस ये जो फेस्ट है ना, तो ये अपने घर से बिल्कुल पास है, द्वारका सेक्टर 3 पे है, नेताजी सुभाष कॉलेज पे। तो बेसिकली तो मैंने सोचा थोड़ा चलो जाते हैं ज्वाइन करते हैं एंड पुरानी वाली वाइब वापस लेके आते हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे गाइस। चश्मा पहनने का टाइम। सो गाइस इवेंट खत्म हो चुका है, हम आ चुके हैं यहाँ हमारे मैनेजर, तो आज के स्पॉन्सर यही थे एंड यहाँ बादल भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो बादल भाई गांव जा रहे थे 3 महीने के लिए, तो बहुत टाइम बाद मिले हैं। तो फाइनली तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारेंगे एंड दिखाएंगे कि अपना वेस्ट दिल्ली कैसा है रात के टाइम में एंड देखते हैं। तो बादल भाई कुछ बोलना चाहते हो हमारे ऑडियंस के लिए? तो गाइस आज देखने वाले हो आप आफ्टर लॉन्ग टाइम अपनी स्ट्रॉम बादल भाई की। तो यहाँ पे अपनी दूसरी अप्रिलिया स्ट्रॉम आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो आज भगाएंगे एंड हाइपर राइडिंग दिखाएंगे। बहुत दिनों बाद अपनी अप्रिलिया चला रहा हूँ बादल ब्रो। यहाँ से फिर न्यूटन मार के आएंगे, कैच एंड कैच। बैठ जाओ पूरी कैचम कैच पूरा थे भी। तो इवेंट तो बहुत सही गया, तो आप लोग ने वीडियो देखी होगी छोटी छोटी क्लिप, बिकॉज ज़्यादा सीन नहीं डाल सकते थे हम क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाता। बादल आगे निकल गया भाई साहब, हाइपर राइडिंग तो स्टार्ट होने से पहले ही। साइड दे दो गड्डी, 4 गड्डी। ब्रो ये चला के भाई अलग ही फील आ रही है, हाथ तो अपना इसी में सेट है। तो बाद आगे भाई साहब हैजार्ड लाइट मैं भी लगाऊंगा आने वाले टाइम में अपनी अप्रिलिया में। यो ब्रो क्या कह रहे हो, इंडिकेटर अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ एलईडी है अभी लगाया बादल भाई ने, पूरा केटीएम वाला लुक है, अच्छे लग रहे हैं। मैं भी लगाऊ, हो जाए बादल ब्रो 32 न्यूटन। कैच एंड कैच, लेट्स गो। अपने पीछे अमिता बैठा है तभी वजन का थोड़ा, अपनी पिकअप भाग नहीं रही है अमिता का भाई साहब। 400 किलोमीटर बना
चॉइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना गाइस, विंड थोड़ी ज्यादा है ये, बिकॉज वाइजर मेरा पूरा ब्लैक है तो रात के टाइम ऐसा और दिखेगा नहीं। बादल भाई का वेट थोड़ा कम है, मेरा यही 65-70 के अराउंड है एंड 400 किलो का बंदा बैठा है तो अराउंड 500 किलो का चल रही है स्कूटी में। बादल भाई 1 ग्राम 1.5 ग्राम सॉरी। ओहो तो यहाँ पे हुआ था फेस्ट, नेताजी कॉलेज नहीं नेताजी सुभाष कॉलेज, ये पड़ता है अपने द्वारका सेक्टर 3 पे। ये भाई ने कटिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ओहो हो 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 तेरी गली आया मैं दिल्ली स्ट्रीट पे। तो वेस्ट दिल्ली के लौंडे फुल चार्ज हो चुके हैं, चार्ज फुल हाइपर राइडिंग। वो भाई ब्रेक, भाई साहब ब्रेक में थोड़ी नहीं तो बहुत ज्यादा कम है। फुल खटिंग फुल बातचीत, चाचा हट जाओ अभी लौंडे फॉर्म में है। बादल दूर दूर तक नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है पता हो भाई, पूरे इंडिकेटर से मिरर पूरे छेड़ रखे हैं। टूटा बड़ा टूटा है ये, बादल का वेट कर लेते हैं गाइस कहाँ रह गया। ओ बाप रे शेर, भाई बुलेट वाला भी चार्ज हो रहा धीरे धीरे करके। भाई वेट बैठा है ना, पीछे बंदा बैठा है तो ब्रेकिंग उस लेवल में काम नहीं कर रही। ओ भाई वेस्पा सेम ब्रांड इटालियन। तो सबसे जाम वाले एरिया में आ चुके हैं हम दिल्ली के, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा हाइपर राइडिंग करना। पूरी अप्रिलिया बज रही है भाई साहब, अटकल हो भाई एक्सीडेंटल। बादल का वेट कर लेते, बहुत पीछे रह गया बादल। बादल कहाँ रह गया, पीछे रह गया, कुछ ज्यादा हाइपर राइडिंग हो गई। वो ओ क्लोज कॉल, चलो वापे वापिस से अपनी राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। भाई अपना वाइजर बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत चैलेंजिंग हो रहा है यहाँ पे भाई साहब खींचने में। और कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने को रूम मिल ही जाता है खींचन का। पूरी साठ गांठ है ये जे बात, अरे भाई ने सिस्टम पाट रखा। आगे से कोई आता ना भाई इनविजिबल हो जाता, दिखता है कुछ भी नहीं है। तो बाप में आगे निकलते हुए है पेलपुड़ी खानी है।
फुल हाइपरवाइडिंग चल रही है यहाँ पे भाई साहब, पर ज्यादा तेज नहीं चला पा रहे। ये भी तो बाप आने का दादा। ओ बादल चिपका भाई, बादल चिपक जाता है पोस्टर बन जाता। तो ये गाइस आप लोग ट्राई मत करना जो चीज हम ट्राई कर रहे हैं, हाइपरवाइडिंग, वो भी फुल दिल्ली के सबसे कंजेस्टेड एरिया में। ओ भाई साहब फुल, बथेरी आगे से। रोड कंडीशंस भी बहुत ज्यादा बेकार है यहाँ की। अच्छा ओ भाई यार पूरी स्कूटी बोल गई है। अपनी अपनी लेग झामर जी कुदा दो तेरी तो फुल। ये अब थोड़ा खाली रोड मिली है फुल खेचा मारने का मौका आते हुए। ये अपने स्कूटी वाले दो भैया सही भगाते हुए, एक तो एक हाथ से चलाते हुए। अभी हम पहुंच चुके हैं उपचंदन, अभी हम पहुंच चुके हैं उपचंद नगर ईस्ट पे। ओ ओ आप पे इधर चेकआउट करना, इधर मिल सकता है खाने के लिए कुछ। ठीक है इस साइड जाना था पड़ेगा, इधर मामा खड़े हैं, रात के टाइम भी फुल जोश से ड्यूटी कर रहे हैं। बड़े भैया साइड देना, ऐसे लोग बहुत कम बंदे को मिलते हैं। बाबे बाबे तो अभी भी अपनी हाइपर राइड चालू रहेगी गाइस। अकेले ना हाइपर राइड करने का ना अलग ही मजा है, बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं होता। स्पीड बढ़ाऊं जाके इलाज कराओ। यार जैसी भगाने का सोचे ऐसी बत्ती। ए भाई साहब भाई मोच कर दी, हैवी ड्राइवर था ये तो। मैंने सोचा मेरे को रोकने आ रहे हैं क्योंकि बहुत देर से रश राइड हो रही थी अपनी। फेरी रात को भाई कोई रूल फॉलो नहीं होता। कैसे चला रहा है भाई, एक हाथ में बच्चा। अब अपना 6 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा, बोलते स्किल। अपने वाइजर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा तेज भागती है ऐसी वाइजर नीचे एंड फिर ब्लैक आउट।
मजे में इतनी दूर आ गए भाई। रात के बज रहे हैं 11:30, आधे घंटे बाद अगला दिन, बोले तो संडे, तो संडे को मैं मिस करूंगा संडे राइड। तो इस बार गाइस संडे राइड नहीं जा रहा, बिकॉज थोड़े बहुत में काम करा रहे हैं अपने अप्रिलिया में। तो गाइस बिल्कुल गुप्त अंधेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे अब भगाएंगे। तो फाइनली जाम से दूर हो चुके हैं, तो यहाँ पे करते थोड़ी सी अपनी हाई स्पीड, बोले तो हाइपर राइड। भाई 80 में पहुंच गई। बहुत दिनों बाद 120 टच कर ली। बहुत दिनों बाद, 800 बाद अपनी अप्रिलिया चला यार, बहुत ज्यादा मजा आ गया। एंड गाइस ये रोड तो आपको जानी पहचानी लग रही होगी, तो इसी रोड पे हम लोगों ने ड्रैग रेस करी थी ओला वर्सेस स्ट्रॉन्ग की। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा था आई बटन का लिंक आ रहेगा, प्लीज जाके देख लेना। एंड वापिस से खेचा मारते एक बार और। ओ ये कौन है, रॉन्ग साइड आ रहा है क्या बंदा? इस वीडियो को फैला दो यारों।